और आपको बता दें टीम T20 मैच से जुड़ी खबर, रोहित शर्मा ने सबसे बड़े मैच विनर को किया है मैच से बाहर। प्लेइंग 11 में किए ये चौंकाने वाले बदलाव। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का पहला फैसला लिया है और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया है। इस मैच की प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़े मैच विनर को बाहर कर दिया है मैच से, जिससे हर कोई हैरान रह गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को यानी कि आज मोहाली में खेला जा रहा है पहला T20 मैच और इंटरनेशनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया है। बता दें रोहित शर्मा ने विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं रोहित शर्मा के इस फैसले पर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 से सबसे बड़े मैच विनर को क्यों बाहर आखिर कर दिया? इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का पहला फैसला लिया था और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया था। इस मैच की प्लेइंग 11 से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़े मैच विनर को बाहर कर दिया। आपको बता दें कि जिससे हर कोई हैरान है, रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 से आखिरकार क्यों ऋषभ पंत को बाहर किया है। और आपको बता दें ये चौंकाने वाला बदलाव है टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में खुद के अलावा केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षद पटेल, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल को भी मौका दिया है। आपको बता दें तेज गेंदबाजों में से जसप्रीत बुमराह इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा ने उनकी जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव को मौका दिया है। उमेश यादव 3 साल बाद टी ट्वेंटी टीम में वापसी कर रहे हैं। वहीं उमेश यादव ने आखिरी T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2019 में खेला था। रोहित शर्मा ने इस घातक प्लेयर को करवाई है अपनी टीम में एंट्री। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए सबसे तगड़े मैच फिनिशर दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। दिनेश कार्तिक एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशर है। दिनेश कार्तिक सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में से शुमार है। दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग और बल्ले से कमाल दिखाने में माहिर खिलाड़ी है। आपको बता दें कि बल्लेबाजी में लोअर मिडिल ऑर्डर में उतरकर बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, वो उनके पास काबिलियत है। वो किसी भी गेंदबाजी क्रम से धज्जियां उड़ा सकते हैं किसी की भी। और दिनेश कार्तिक लोअर मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए तुरंत का साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस मैच में ही रोहित शर्मा जो है वो आउट हो चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप से पहले ही ICC में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं।